₹300 केजी मंडी में बिका लहसुन जी। तो लोग आ रहे सब्जियां है, मेथी है, जो मेथी ₹10 किलो बिकती थी वो ₹50 किलो बिक रही है, सरसों है ₹30 किलो बिक रही है। ये तो सीधा रमणम से ही पूछो, क्योंकि उन्होंने सदन में ऐसी बातें कही है कि लहसुन खाना ही छोड़ दो। हाँ, क्योंकि अगर राम मंदिर बन गया तो महंगाई के बारे में कोई नहीं, हर चीज ₹500 किलो हो जाए। मैडम इसमें खेती थोड़ी करेंगे, खेती तो किसान ने करना है, किसान खेत में मगर माल नहीं आ पा रहा है, माल को रोक दिया जा रहा है रोड पे ही। सरकार जो मैडम जी समझ लीजिए कि सो ही रही है एक तरीके से, वो खाली मंदिर का निर्माण कर ले और श्री राम का भजन कर ले, उसी से पेट भर ले। लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता ये, क्योंकि उनको कौन सा खरीदने हैं, ये जनता के टैक्स के पैसे के वो तो खा रहे हैं, आम पब्लिक मारा जा रहा है इसमें, लेकिन जनता की ख्याल ही नहीं है उनको। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इसी में लगा पड़ा है बस। किसान आंदोलन और मौसम में बदलाव के कारण मंडियों का जो हाल है वो बेहाल हो रहा है, क्योंकि एकदम से सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, फलों के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली के दरियागंज में मौजूद हैं। ये पूरा जो एरिया है ये गोलचा सिनेमा के पास है, जहाँ पर ये मंडी लगती है, और इस वक्त हम यहीं पे मौजूद हैं। मंडी में हम हाल जानेंगे कि आखिर सब्जियों के दाम क्या है और जनता इस दिक्कत से कैसे डील कर रही है। पहले हम कुछ सब्जी वालों से बात करते हैं, उनसे जो सब्जियों के दाम हैं वो जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन और अदरक की है यहाँ पर, और धनिया भी है। अंकल मुझे ये बताइए ये कितने रुपए किलो है लहसुन? ये वाला ₹300 किलो। ₹300 किलो, इतना महंगा क्यों? ये ₹240 किलो। वो ₹240 किलो, तो दोनों में फर्क क्या है? ये वहाँ का है ना, हिमाचल का। तो इतना ज्यादा, और ये नॉर्मल कब कितने का आता है? ये 200 हो जाता है, अब तेज हो गया आपको। ऐसा क्यों? माल ये आया पीछे से, अब नया माल आ गया, मतलब हो जाएगा एक हफ्ते में ₹150 किलो हो जाएगा, 8 दिन में ₹150 किलो हो जाएगा लहसुन। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब एकदम से निकला नहीं है ना खेतों में से, माल अभी निकला नहीं है, ₹150 किलो हो जाएगा अभी। हाँ, और ये जो 320 का आप दे रहे हैं इसका दाम क्या हो जाएगा आप बता रहे हैं? ये तो बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, दूसरा वाला चलेगा, वो वाला देसी वाला, वो वाला ₹150 किलो, 160-120 ये भी कहेगा अभी। तो जब इतना ज्यादा महंगा आपने, मतलब इतना ज्यादा महंगा अभी लहसुन है, तो लोग लेके जा रहे हैं, बिक्री हो रही है? लेके जा रहे हैं। हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ प्याज, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज यहाँ पर रखी हुई है, बातचीत करते हैं इनसे। प्याज कितने रुपए किलो दे रहे हैं आप? प्याज ₹25 किलो। ₹25 किलो, अभी 2 दिन पहले बेची है ₹20 किलो। ये बॉर्डर बंद है, जिस वजह से माल जो है वो आ तो रहा है, लेकिन रास्ते में बड़ी परेशानी हो रही है, जिस वजह से प्याज पे भी असर पड़ा है, और भी सब्जियों पे भी असर पड़ा है। टमाटर हो गया, प्याज हो गई, हरी सब्जी हो गई, लहसुन हो गया। लहसुन ₹500 किलो तक बिका मंडी में। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो 320 अब वो डाउन हुआ है, नहीं तो ₹500 केजी मंडी में बिका लहसुन जी। तो लोग आ रहे सब्जियां है, मेथी है, जो मेथी ₹10 किलो बिकती थी वो ₹50 किलो बिक रही है, सरसों है ₹30 किलो बिक रही है, और क्या कहते हैं आपकी बथुआ है वो ₹40 किलो, पालक है, पालक ₹10 गड्डी मिलती थी, पालक ₹50 किलो बिका। ये सब्जियों पे जो है ये बहुत फर्क पड़ लिया है, किसान जो है इस टाइम जो है वो खेती बाड़ी इतनी नहीं कर रही है, जिस वजह से ये कम खेती कर रही है, जिस वजह से सब्जियों पे असर पड़ लिया है। नहीं तो पहले खेती अच्छी खासी होती थी तो सब्जियों पर असर नहीं पड़ता था, अब लहसुन की खेती नहीं हुई, लहसुन महंगा हो गया, कम लहसुन आ रही है तो महंगा बिक रहा है। दो साल पहले लहसुन ₹10 किलो बिका है, किसानों ने फेंका भी है, लेकिन अब क्या करें, किसानों ने लहसुन की वो फसल नहीं करी तो उस वजह से वो लहसुन महंगा बिका। अभी प्याज पे भी असर पड़ लिया, नहीं तो प्याज जो है ₹20 किलो बिक रही थी, अब ₹30 किलो बिक रही है बढ़िया प्याज, मीडियम प्याज ₹25 किलो बिक रही है। तो मतलब जनता, आप अभी जैसे आप बेच रहे हैं सब चीजें, जनता खरीद रही है, जनता को दिक्कत नहीं हो रही? ये दिक्कत तो हो रही है, परेशानी हो रही है, क्या करे, लेकिन मोल भाव कर रही है जनता? हाँ मोल भाव कर रही है, केजी अभी तो 20 बिक रही थी, 25 कैसे हो गई, लेकिन खाना तो है, ये भी जरूरी है, अब क्या करें, अब जनता पे भी फर्क पड़ लिया, हम पे भी फर्क पड़ लिया, महंगा ला रहे हैं, माल बिक रहा है, कम बिक रहा है, जनता भी परेशानी हो जाती है कि जी आप ये भाव बेच रहे हो, अब क्या करें, पीछे से महंगा आ रहा है तो फिर बेचना पड़ लिया हमें, नहीं बेचेंगे तो फिर कैसे चलेगा खर्चा भी। जनता कितने रुपए किलो लहसुन दे रहे हैं? 540 रुपए किलो आप लहसुन दे रहे हैं, इतने महंगाई क्यों? अब इसका क्या उत्तर दिया जाए, ये तो सीधा रमणम से ही पूछो, क्योंकि उन्होंने सदन में ऐसी बातें कही है कि लहसुन खाना ही छोड़ दो। हाँ, इसके पहले भी पिछले साल भी उन्होंने कहा लहसुन खाना ही छोड़ दो, मैं खाती ही नहीं,
मतलब अगर हमारी वित्त मंत्री नहीं खाती तो जनता भी खाना छोड़ दे और आप लोग लाना भी छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे, हम तो लाना ही छोड़ देंगे। महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर राम मंदिर बन गया तो महंगाई के बारे में कोई नहीं, हर चीज 500 रुपए किलो हो जाए। सरकार तो आजकल काफी बिजी है ना, मंदिर का निर्माण करवा रही है। हाँ बिल्कुल, 500 रुपए हर दूध बता दी कि हर चीज 500 रुपए किलो होना चाहिए। अब अगर महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, भुखमरी के बारे में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मंदिर बन गया बात खत्म, मंदिर बन गया बात खत्म, जनता चाहे कुछ भी, महंगाई हो जाए चाहे जितनी महंगाई हो जाए। हाँ अदरक कितने रुपए किलो दे रहे हैं आप? अदरक 240 रुपए किलो। ये सर्दियों में जहाँ सब्जियाँ इतने कम दाम की हो जाती है, इतनी महंगी हो गई है, डबल रेट है डबल। ये बताइए मुझे हरी सब्जियों के दाम क्या हैं इस वक्त? हरी सब्जियों के दाम मैडम जी इस समय ठीक ठाक ही है, अभी तो तेजी आने वाली है, महंगाई और बढ़ने वाली है जी। वित्त मंत्री तो कह रहे हैं कि लहसुन प्याज और ये सब खाना छोड़ें। मंत्री मैडम इसमें खेती थोड़ी करेंगे, खेती तो किसान ने करना है, किसान खेत में मगर माल नहीं आ पा रहा है, माल को रोक दिया जा रहा है रोड पे ही। हाँ जी, जनता को दिक्कत हो रही है और आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल होगी, ए टू जेड सबको होगी मैडम जी। 500 रुपए किलो बाहर मुझे लहसुन मिल रहा है, लहसुन का रेट मैडम जी डाउन हो गया, जो पुराना लहसुन है वो 500 से घट के 400 पे आ गया, और जो नया लहसुन पैदावार है, नई खेती का फसल है, नया उपज है, वो 300 से लेके 200 हो गया। फिर भी 400 भी तो महंगा ही है मैडम जी, धीरे धीरे खेत खत्म होते जा रहे हैं, खेत की जगह बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। हाँ सरकार तो वैसे निर्माण कार्य आजकल मंदिर का निर्माण चल रहा है उसमें बिजी है। आज से 10 साल पहले जमुना पे जहाँ खेती होती थी वहाँ पे आज के रेट में पार्क बना दिया है, आइए घूमिए ताजा हवा लीजिए मगर खाइए मत, सब्जी खाना गैर कानूनी हो जाएगा कुछ दिन में। जब खेत ही नहीं रहेंगे तो खेत में से पैदा सब्जी होगी कहाँ से मैडम? जनता परेशान हो रही है, मतलब जनता खुद अपने आप को परेशानी में डाल रही है, सरकार इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैडम जी इसमें सरकार कर क्या सकती है, खाली कुर्सी पे बैठ के और माइक में बोल सकती है, और किसान की तरह वो सोच नहीं सकती, किसान की तरह वो पानी नहीं दे सकती, किसान की तरह वो खाद नहीं लगा सकती, महंगाई पर भी कुछ नहीं कर सकती जी। महंगाई पर कुछ तो कर सकती है लेकिन सरकार पे कर सकती है, किसानों को मुहैया करवाए, पानी सस्ता करवाइए, बिल सस्ता करे और बीज दे तो किसान सस्ता देगा ना माल। जब किसानों का हेल्प करेगी सरकार तो ही सब्जियां सस्ती होंगी और सब सामान सस्ते होंगे खाने पीने के। सो रही है क्या फिर सरकार? सरकार जो मैडम जी समझ लीजिए कि सो ही रही है एक तरीके से, वो खाली मंदिर का निर्माण कर ले और श्री राम का भजन कर ले, उसी से पेट भर ले। इस सब ये सब करने से जनता का पेट भर जाएगा मैडम जी, अब क्या करें, जब खेत में किसान जाएगा नहीं, खेत में राजनीति होगी और राजनीति खेत से निकल के हाईवे को जाम कर देंगे, जो टमाटर बताइए रोड पे खड़े खड़े पानी चूने लगता है सब्जियों में से, जो कोस्ट एक कुंटल में आना है उसमें से 20 किलो निकल जाएगा सड़ा हुआ, तो बचेगा तो 80 किलो, किसान तो उस 80 किलो में 20 किलो का भी पैसा निकालेगा, ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। प्याज कितने का खरीदे आप? ये 120 रुपए का धड़ी। 120 रुपए का? और आपने लहसुन या फिर अदरक में से कुछ खरीदे? लहसुन मैंने कल 2 दिन पहले खरीदा था 100 रुपए का 250 ग्राम। 100 रुपए का 250 ग्राम? हाँ जी। इतनी महंगाई क्यों? पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। और कल मैंने आधा किलो लिया था 140 रुपए का लाजपत राय मार्केट से, तो सर वहाँ पे कोई रेडी वाला बेच रहा था। हाँ। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रेट है, तो जनता परेशान है मतलब इतनी महंगाई के कारण। एक ही चीज में है ना, इससे देखा जाए तो क्या? परेशान तो है लेकिन रेट एक ही, अभी लहसुन में ही ज्यादा है इस टाइम, और सब्जियों में थोड़ा कम है इस टाइम। यस सर। आपने कितने रुपए की? 120 रुपए की 5 किलो। करते क्या है आप जी? दिन ब दिन आग छूता जा रहा है ये, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता ये, क्योंकि उनको कौन से खरीदने हैं, ये जनता के टैक्स के पैसे के वो तो खा रहे हैं, आम पब्लिक मारा जा रहा है इसमें, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं, राहत नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला लहसुन प्याज खाती नहीं है, तो उनको क्या चिंता है ये, वो प्याज खाती नहीं है, कभी लहसुन नहीं खाती है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब जनता ने उनको चुन के भेजा है इसी के लिए, जनता की राहत के लिए, जनता के काम करने के लिए उसको, लेकिन जनता की ख्याल ही नहीं है उनको, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम इसी में लगाया पड़ा है, बस यही उनका मुद्दा रह गया है, गरीबों से कोई मतलब नहीं है उनको, न किसानों से कोई मतलब है, किसानों आज परेशान है रोड में, किसान तो मारे जा रहे हैं। उनके गोलियां मारा जा रहा है, किसान के फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, बीच में दलालों के खाए जा रहे हैं, उसको सही दाम नहीं मिल पा रहा है किसान को, बस परेशान है मतलब जनता एकदम, सरकार से परेशान हो गई। क्या करे आखिर, खाना तो है,
इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं, जीने के लिए खाना तो पड़ेगा। कितने रुपए किलो है लहसुन? 1600 का धड़ी बता रहे हैं। कितने का? 320 रुपए किलो। आप खरीदने आए? मैं खरीदने आया हूँ, मैंने 5 किलो ले लेता हूँ, उनको बताया मैंने 1000 रुपए का दे दो 5 किलो। अब दाम सुन के क्या फिर आप खरीदने वाले? नहीं खरीदने वाला, अब कहाँ खरीदेंगे, इतना महंगा है। इतना महंगा क्यों है, इतनी महंगाई क्यों हो रही है? महंगाई देखिए, अब क्या कह सकते हैं, महंगाई ज्यादा है। लहसुन क्या खरीद रहे हैं? लहसुन कितना खरीद रहे हैं? आधी किलो। आधी किलो? बड़े अमीर है, आधी किलो लहसुन खरीद रहे हैं। क्या भाव दे रहे हैं ये? 300। और आधी किलो लहसुन आप ले रहे हैं? हाँ। इतनी महंगाई में? जरूरी चीज है, घर की तो लेनी पड़ेगी। आपने 1 महीने पहले 1 किलो लेके गया था इनसे ही। कितने का लिया था? जब 244 रुपए किलो। अंकल मुझे ये बताइए, इतनी महंगाई क्यों, इतना महंगा लहसुन क्यों बेच रहे हैं? कच्ची तेजी है ना, अभी लहसुन आया नहीं, लेट हो गया लहसुन, इस बार इसकी वजह से लेट था लहसुन, लेट की वजह से महंगा आई है। 300 रुपए किलो बता रहे हैं भाई, क्या करेंगे फिर? 250 रुपए बिक रहा है लेकिन 300 बता रहे हैं, महंगा बता रहे हैं। नहीं भाई, मंदा हुआ यार, मंदा रेट होगा तो 200 यार, जेब काट रहे हो भाई, हमारी मंदा लगाओ यार। ये बताए उतना महंगा हो क्यों रहा है? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। सरकार सो रही है क्या, इतने दाम एकदम से क्यों बढ़ गए? पता नहीं, देखो सरकार ने इतना महंगा करवा दिया, सब सामान महंगा हो गया, टमाटर भी महंगा हो गया 40 रुपए किलो, लहसुन हो गया 300 रुपए किलो, सब सामान महंगा हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है मंडी में। आवाज सुन नहीं रही क्या? किसी की परेशान है? हाँ जी परेशान है, हम तो कैसे खाएंगे 300 रुपए किलो। सरकार काफी बिजी लग रही है, मंदिर वंदिर का निर्माण कार्य वगैरह चल रहा है जी, मंदिर का तो पता नहीं, पर ये सब्जियां बहुत महंगी हो रही है पता नहीं क्यों, और राशन भी महंगा है, मुझे रेट तो नहीं मालूम पर वो भी महंगा है, घर में लेडीज हैं वो बताती हैं महंगा है सामान सब। तो अब आप खरीदेंगे या फिर वापस घर जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं जी। नहीं खरीदेंगे, इतनी पॉकेट अलाउ नहीं करेंगे जी, नहीं है इतना कमाई कहाँ है, जो इतना 300 रुपए किलो कहाँ खरीदेंगे। देखिए हम लोग इस वक्त मंडी में मौजूद थे, दिल्ली के दरियागंज इलाके में हम लोग मौजूद थे, जहां पर आपने सब्जियों के दाम जाने की, सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। किसान आंदोलन के चलते यहाँ पे लोगों का हाल बेहाल हो गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी आवाज को सुने, क्योंकि सब्जी बेचने वाले साथ ही जनता भी बहुत परेशान हो गई है सब्जियों के बढ़ते दामों से। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।